कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोरा को लेकर भुवन बम ने एक बड़ी बात कही। क्या कुछ भुवन बम कहते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। हालांकि हाल फिलहाल भुवन बम एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा करते हैं और एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। भुवन बम की अगर बात करें तो बड़े यूट्यूबर हैं, साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, साथ ही हाल फिलहाल उनकी एक वेब सीरीज आई ढिंडोला जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया। वेल, भुवन बम ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी बात दरअसल कही है और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अंजलि अरोरा को इशारा कर रही है। भुवन बम ने कहा कि हाल फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा वायरल होती है जिसको लेकर कहीं ना कहीं तो सिर दर्द होने लग जाता है। और हाल फिलहाल बात करें कच्चा बादाम की, तो जिन्होंने उस गाने को गाया है वो तो कहीं ना कहीं जो है एक समय के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन उस गाने से लोगों ने इतना ज़्यादा फेम कमाया है, इतना ज़्यादा नाम कमाया है कि लोग आज जो है बड़े बड़े शोज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यू नो सेलिब्रिटी बन गए हैं। वेल, ये बात गलत नहीं है। और देखा जाए तो कच्चा बादाम के बाद में कई सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई और काफ़ी ज़्यादा फेम, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो गेन भी किए। बात करें अगर अंजलि अरोरा की, तो उनकी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और जिसके बाद उन्हें ऑफर भी हुआ था लॉकअप सीजन 1, और लॉकअप में वो नज़र भी आई। साथ ही उसके बाद में अब अंजलि अरोरा एक बड़ा नाम बन गया है और साथ ही वो एक सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। भुवन बम का कहना है कि जिसने वो गाना गाया था उसे तो 3 से 4 लाख देकर जो है वो चुप करवा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं वो यू नो गरीब थे, इसके लिए उनके उनके लिए तो 3 से 4 भी काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन उस गाने से लोगों ने इतना ज़्यादा कमाया कि 3 से 4 लाख कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भुवन बम का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हर्ट करती हैं जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो और ये सारी चीज़ें होती है। तो हाल फिलहाल आपके क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। क्या आप एग्री करते हैं भुवन बम की बातों को लेकर, ज़रूर बताइए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। Thanks for watching.